एबीपीएस न्यूज सच का साथी। ताजा मामला दिल्ली रोड के मानसरोवर कॉलोनी का है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स है, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स। यहां कुछ पुलिस वालों द्वारा एक दुकान का संचालन अपनी पत्नी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में उनके बच्चे कैसे बदमाशी करते हैं, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। भाजपा की सरकार हो या समाजवादी की, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग दबंगई से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने अपने पिता के पुलिस में होने का फायदा उठाते हुए एक दुकानदार को इस तरह से जलील करने की कोशिश की और साथ साथ ये धमकी भी दी कि जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पिता पुलिस में है और इसके साथ साथ वो एक दुकान के मालिक होने के अलावा एक कोर्ट से पैरोकार की भूमिका निभाते हैं। ऐसा लगता है मानिए कोर्ट के आदेश वो स्वयं ही लेके आते हों या फिर जज इस आदेश को उन्हीं से लिखवाते हों। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा एसएसपी मुरादाबाद को एक तहरीर दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि प्रार्थनी, जो कि दुकान स्वामी की पत्नी है, उन्होंने कहा है कि मेरे पति मानसरोवर कॉलोनी में भगवती कलेक्शन में भगवती जनरल स्टोर के नाम से दुकान करते हैं, जिसे उसके पति के साथ साथ वो स्वयं भी संचालित करती हैं और भरण पोषण का एकमात्र साधन उनका यही व्यवसाय है। इसके साथ साथ लगभग बताया गया है कि 6 माह से कॉम्प्लेक्स में निकिता कॉस्मेटिक नाम से सुनीता औलक, पत्नी चेतन औलक और उसके पुत्र हर्ष औलक के द्वारा उन्हें हमेशा धमकियां दी जाती हैं। ये मामला लाइन पार का है और लाइन पार के ही ये लोग रहने वाले हैं। तुमने अपनी दुकान के बाल बोल रखा है।